अजीत खान एक ऐसे विलन जो अपने खतरनाक डरा देने वाले डायलॉग्स को भी इतनी तसल्ली के साथ बोलते थे कि लगता था कि कोई फिक्र ही नहीं। मालूम है कि सब कुछ अपने ही हाथ में है। इनका असली नाम हामिद अली खान, जो कहा करते थे कि हीरो को तालियां और विलेन को गालियां, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यूं तो विलेन के तौर पर वो शुरुआत फिल्म सूरज के साथ कर चुके थे। ये तो सिर्फ राजकुमारी को हाथ लगाने का इनाम था, और उनसे दिल लगाने का इनाम इससे कहीं बढ़कर मिलेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विलेन की छवि को ही बदल रख दिया इन्होंने। ये कौन सी फिल्म थी और इस कैरेक्टर को इस तरह निभाने के पीछे क्या कहानी थी, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। अपनी कॉलेज की किताबें बेचकर टिकट खरीदी थी इन्होंने मुंबई आने के लिए हैदराबाद से, इस उम्मीद के साथ कि हीरो बनना है। आसान नहीं था, रहने की जगह नहीं, खाना क्या है ये मालूम नहीं, हफ्ता वसूली करने वाले गुंडों के साथ इनकी हाथापाई भी हुई और फिर इन्होंने उन्हें पीट दिया था। कहा जाता है वहां रहने वाले लोग इसके बाद इनसे बहुत प्यार करने लगे थे, इनकी बहुत इज्जत करने लगे थे। वो पहला मौका आया जब पहला काम जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर मिला 1945 की फिल्म कुरुक्षेत्र में। इस फिल्म के हीरो थे केएल सहगल साहब, कुछ फिल्म की इसी तरह से, और फिर इनकी पहली फिल्म लीड रोल में आई शाह मिस्र। फिल्म चली नहीं, काम मिल रहा था। ये नाम हामिद अली खान से ही अभी तक पहचाने जा रहे थे। इसी दौरान के अमरनाथ साहब ने एक रोल ऑफर किया इन्हें और नया नाम भी। ये कहा कि सिनेमा में इतना लंबा नाम जल्द लोगों को याद नहीं होगा, नाम छोटा होगा तो जल्दी पहचान बनेगी। और बस नाम मिला अजीत, जो वाकई में कुछ इस तरह सबके मुंह पर चढ़ा कि आज तक उनका नाम हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलन्स में गिना जाता है। इस बीच कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्म्स की इन्होंने, बड़ा भाई, बारादरी, नास्तिक, नया दौर। दरखत किसके हुक्म से काटा रे? हुक्म किसका बे? अरे मैं तो कारखाने का मुलाजिम हूँ, ये दरखत तेरे मालिक का नहीं, मेरा है। मेरा वो निशानी नहीं दिखती रे? तो आंखें क्यों लाल पीली करता है? तेरा है तो तू ले जा। रोल हालांकि स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन शायद शोहरत पॉजिटिव कैरेक्टर्स के साथ मिलनी ही नहीं थी। अजीत साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरगिसी को छोड़कर उस दौर की हर हीरोइन के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जमाने का दस्तूर है कि फिल्म अगर सिल्वर जुबली ना हो तो हीरो हीरो नहीं, और शायद ये भी कि इस आर्टिस्ट की फिल्म चलती नहीं है। और फिर राजेंद्र कुमार साहब ने सलाह दी, कहा कि अजीत साहब कलर फिल्म्स का दौर आ रहा है, महंगी फिल्म्स बन रही हैं, आपको देखिए हीरो का कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं। हम एक साउथ की फिल्म बना रहे हैं, मद्रास में बन रही है सूरज, आप उसमें विलेन का रोल करें, हमारे पास एक रोल है, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। ये फिल्म आई और खूब चली भी। यहां से अजीत साहब ने एक्टिंग की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया। और फिर 1973 संजीव, जिसमें तेजा का कैरेक्टर विलन्स की दुनिया में एक नयापन लेकर आया था। प्रकाश मेहरा साहब ने कहा था कि अजीत को लगा कि हिंदी फिल्म्स के जो खलनायक हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, इसलिए उन्होंने एक मीठा और आराम से बोलने वाला खलनायक, उसकी छवि बनाई। उन्होंने कहीं कहा भी इस बात को कि रियल लाइफ में कुछ लोगों को इस तरह उन्होंने देखा था, जो सफेद बाल हैं जिनके, सूट बूट में है, नरमी से बोलते हैं, हाथ में सिगार है, तो क्यों ना ऐसा किरदार बने जो देखने में ऐसा हो लेकिन अंदर से विलन जैसा सोचता हो। जंजीर के साथ अजीत साहब ने खलनायक के बोलने के तरीके में क्रांति ला दी थी। विलन की ऐसी छवि किसी ने नहीं देखी थी। ये कैरेक्टर था धर्मदयाल तेजा, विलन जो स्टाइलिश है, रुतबा रखता है, खूंखार है, लेकिन अंदाज रॉयल है, जिसके पास एक सेक्रेटरी होती है, एक टीम होती है, जिसमें हमने रंजीत साहब, प्रेम चोपड़ा, सुधीर, इन सबको देखा। किसी को मारने की बात करते हैं तो वो भी प्यार से, इतने आराम से ठहर कर कि उस इंसान को कोई डर ही नहीं है।
और इसे कोई डरा सकता भी नहीं है। फिर यादों की बारात का शाकाल, 15 साल तुमने जिस कातिल की खोज की, यह खत तुम्हें अभी अभी बता सकता है कि वो कौन है और कहाँ। फिल्म कालीचरण के लिए कहा जाता है कि अभी उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ भी नहीं की थी, जब सुभाष घई साहब ने उन्हें ही ध्यान में रखकर फिल्म का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। उनका वो डायलॉग उन्होंने जिस तरह बोला, आज सब उसी तरह से बोलते हैं। कौन सा डायलॉग था? कहा जाता है कभी इस बात का गुरूर नहीं था उन्हें कि इतने बड़े स्टार हैं। घर पर कोई छोड़ कर आने वाला ना हो अगर स्टूडियो में, तो ऑटो से ही चले जाया करते थे। उसूलों के पक्के थे। कई रोल ऐसे जो सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ है, जैसे फिल्म दीवार का सामंत, जिसे मदनपुरी साहब ने बाद में निभाया। इनके वन लाइनर्स आज भी दोहराए जाते हैं। स्मार्ट गाय। इनके स्टाइल में आम सी बातों को कहकर खास किया जाता है। 1970s में लगभग 57 फिल्म्स में इन्होंने विलेन का रोल निभाया। अपने 40 साल के करियर में इन्होंने लगभग 200 फिल्म्स में काम किया। आपको अजीत साहब का कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।